नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान और वक्त हो चुका है उत्तराखंड के खास बुलेटिन का। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में इन दिनों राजनीति अपने चरम पर है, जहां कांग्रेस अपनी परिवर्तन यात्रा के दौरान प्रदेश और केंद्र सरकार की नाकामियों को गिनाने में लगी है। वहीं बीजेपी चुपचाप कांग्रेस के इलाकों में सेंधमारी करने में लगी हुई है। वहीं उत्तरकाशी जिले की सुरक्षित सीट पुरोला विधानसभा से कांग्रेस विधायक राजकुमार आज दिल्ली बीजेपी कार्यालय में आयोजित एक समारोह में बीजेपी में शामिल हो गए, जहां राजकुमार पहले बीजेपी में थे और असंतुष्ट होकर कांग्रेस में चले गए थे। ऐसे में उन्होंने घर वापसी की है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश पार्टी अध्यक्ष मदन कौशिक की मौजूदगी में पार्टी में वो शामिल हुए हैं। पार्टी में बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। पुरोला से कांग्रेस के विधायक राजकुमार के बीजेपी में शामिल होने पर प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का बड़ा बयान सामने आया है। गोदियाल ने कहा है कि विधायक राजकुमार की स्थिति अपने क्षेत्र में कमजोर थी। उन्होंने कहा कि अपने बचाव के मकसद से राजकुमार बीजेपी में शामिल हुए हैं। कांग्रेस पुरोला से एक मजबूत दावेदार खड़ा करेगी। इसके साथ ही गोदियाल ने कहा, हम पर ईश्वर की कुछ ऐसी कृपा है, जो विधानसभा हमारी कमजोर है उनमें हमें मजबूती मिलेगी। राजकुमार के जाने के बाद हम पुरोला में बहुत मजबूत प्रत्याशी देंगे और हमारी जीत होगी। वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक राजकुमार के बीजेपी में शामिल होने के बाद से ही बीजेपी में उत्साह है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि राजकुमार उनके पुराने साथी हैं, बीच में वो भटक गए थे लेकिन फिर वो वापस अपने घर आ गए हैं। और कांग्रेस एक डूबता जहाज है, जिसमें अब कोई भी सफर करना पसंद नहीं करता। देहरादून से ये तस्वीरें हैं, जहां पर विधायक राजकुमार ने घर वापसी की है। वो एक बार फिर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। आपको बता दें कि इससे पहले उन्होंने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा था, लेकिन अब घर वापसी करते हुए वो एक बार फिर से बीजेपी के रथ में सवार हो चुके हैं। परमेश्वर का हम पर ऐसी कृपा है कि जो जो हमारी कमजोर कड़ियां हैं वो सभी विधानसभाएं धीरे धीरे कमजोरी से मजबूती की ओर बढ़ रही है। राजकुमार जी की, जैसे कि आप लोग बता रहे हैं कि वो शामिल हो चुके हैं, उनकी राजनीतिक स्थिति उस विधानसभा क्षेत्र में जो थी वो किसी से छुपी हुई नहीं है, और ऐसे में उन्होंने शायद अपने बचाव के मकसद से आगे कुछ बदलाव हो सके उनकी स्थिति में, इस मकसद से ऐसा किया होगा। लेकिन इसका रिएक्शन इस रूप में हुआ कि उस विधानसभा क्षेत्र के तमाम जो नेता हैं वो हमारे वरिष्ठ साथियों के साथ, वरिष्ठ हमारे नेताओं के साथ संपर्क उन्होंने किया, और कोई भी स्थान रिक्त नहीं होता, उस स्थान की पूर्ति होती है। और मुझे खुशी है इस बात की कि जो स्थान कांग्रेस पार्टी में रिक्त हुआ है उसकी पूर्ति बहुत मजबूती के साथ होगी। आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी बेहतर प्रदर्शन करने के उद्देश्य से अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता सम्मेलन कर रही है। इसी कड़ी में आज मसूरी विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें शक्ति केंद्र और बूथ स्तर के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और पार्षद मौजूद रहे। इस कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद मसूरी विधानसभा के काबीना मंत्री गणेश जोशी ने कहा, आज के कार्यक्रम में सभी कार्यकर्ताओं ने यह शपथ ली है कि आने वाले चुनाव में सबसे ज्यादा अंतराल से मसूरी विधानसभा में बीजेपी की जीत होगी। पार्टी ने जो नारा दिया है, अब की बार 60 पार, उसकी शुरुआत मसूरी विधानसभा से ही की जाएगी। तो देहरादून की तस्वीरें, जहां पर कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कवायद शुरू हो चुकी है। कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां पर मुख्य अतिथि रेखा आर्या जी थी। तो कार्यकर्ता सम्मेलन की तस्वीरें हैं। 2022 में उत्तराखंड में होने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए अब सभी पार्टियों ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। सभी अपने अपने तरह के सम्मेलन कर रही हैं, जहां कांग्रेस एक तरफ परिवर्तन यात्रा निकाल रही है तो वहीं बीजेपी भी अपने लोगों को साधने का काम कर रही है। तो इसी कड़ी में आज ये कार्यकर्ता सम्मेलन की तस्वीरें हैं, जहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती रेखा वर्मा जी ने वहाँ पर शिरकत की है। ये तस्वीरें देहरादून की हैं, जहाँ पर कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था। देखिए, आज मसूरी विधानसभा के 150 चुने हुए कार्यकर्ता, जो शक्ति केंद्र से लेकर
हमारे महानगर के पदाधिकारी, मंडल के पदाधिकारी, पार्षद, मुख्य कार्यकर्ता की कैटेगरी यहाँ बुलाई थी। इस प्रकार का उत्साह आज यहाँ देखने को मिला। मुसरी विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि 2022 में जो 60+ का नारा हमारे नेतृत्व ने दिया है उसकी शुरुआत मसूरी विधानसभा से होगी और पीछे से दुगने अंतर से सीट को जीतकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे, ऐसा संकल्प आज यहाँ के कार्यकर्ताओं ने लिया है। उत्तराखंड में आने वाले चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपनी तैयारियों को उधार देने का काम शुरू कर दिया है। इसी के तहत कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में सैकड़ों युवा कांग्रेस में शामिल हुए हैं। इसी के साथ इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने माला पहनाकर सभी युवाओं को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। कांग्रेस में शामिल होने वाले युवाओं का हिंदू वाहिनी और संघ से संबंध रहा है। पार्टी में युवाओं को शामिल करते हुए प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने खुशी जाहिर की और कहा कि इतनी संख्या में युवाओं के कांग्रेस में शामिल होने से ये पूरी तरह साबित हो गया कि कांग्रेस पूरी तरह युवा पार्टी है। तो देहरादून की तस्वीरें हैं, जहां एक तरफ बीजेपी भी तोड़जोड़ का काम कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी इसी कड़ी में लगी हुई है। ये तस्वीरें देहरादून से है, जहां पर कांग्रेस पार्टी में कई युवा शामिल हुए हैं। बताया जा रहा है कि युवा हिंदू वाहिनी से जुड़े हुए थे और कई लोग संघ से भी जुड़े हुए थे। अब इन युवाओं ने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। इस मौके पर गणेश गोदियाल भी मौजूद दिखे। उन्होंने कहा है कि इतनी बड़ी संख्या में युवाओं का एक साथ इस पार्टी में आना बताता है कि कांग्रेस अब युवाओं की पार्टी है। कांग्रेस युवा है और आज इतने सारे युवा जो कांग्रेस में रायपुर विधानसभा से शामिल हुए हैं, इतने सारे युवा शामिल हुए कि इस बात पर मोहर लग गई है कि वास्तव में कांग्रेस युवा है। मैं इन सभी युवा साथियों का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, उनका स्वागत करता हूं पार्टी में। और जिस पार्टी के एक विधानसभा क्षेत्र में इतने एक साथ युवा हों, पूर्व में भी थे, पहले से भी हमारी पार्टी में युवा थे और एक साथ इतने युवा साथियों का जहां आगमन हुआ हो, पार्टी में शामिल हुए हो, वो विधानसभा आप मान सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में कितनी मजबूती के साथ खड़ी है। गढ़वाल में भी कांग्रेस परिवर्तन यात्रा करने जा रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता परिवर्तन यात्रा की तैयारी में जुट गए हैं। हरिद्वार की रानीपुर विधानसभा में यात्रा की तैयारियों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैठक कर यात्रा को सफल बनाने पर चर्चा की। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश सचिव महेश प्रताप राणा ने बताया कि 18 सितंबर से हरिद्वार में हर की पौड़ी से इस यात्रा की शुरुआत होगी। हरिद्वार जिले की सभी 11 विधानसभाओं में ये यात्रा निकाली जाएगी। कांग्रेस के पूर्व सीएम हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव समेत कई बड़े नेता इस यात्रा में शामिल होंगे। तो हरिद्वार में एक बार फिर से परिवर्तन यात्रा को लेकर आज ये मीटिंग की गई है। आपको बता दें कि गढ़वाल में भी कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा होगी, इसको लेकर ये मीटिंग की तस्वीरें हैं। तो हरिद्वार की तस्वीरें हैं, जहां पर आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व सीएम हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव समेत कई बड़े नेता इस यात्रा में शामिल होंगे, जिस यात्रा को लेकर आज ये चर्चा की गई। तो गढ़वाल में भी कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा होगी, जिसको लेकर आज मीटिंग की गई है और मीटिंग में तमाम कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस बीच आपको बता दें कि इस यात्रा को सफल कराने की बात कही गई और इस यात्रा को सफल कराने के लिए सभी जी तोड़ मेहनत करेंगे, ये वहाँ पर शपथ भी ली गई। तो परिवर्तन यात्रा करने जा रही है कांग्रेस। कांग्रेस कार्यकर्ता परिवर्तन यात्रा करने की तैयारियों में जुट गए हैं और ये वही तैयारियों की तस्वीरें हैं, जहां पर आज चर्चा की गई, मीटिंग की गई है, जहां पर तमाम कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता वहां पर मौजूद दिखे। उन्होंने बैठक कर यात्रा को सफल बनाने पर चर्चा की है। इस दौरान आपको बता दें कि प्रदेश सचिव महेश राणा ने बताया है कि 18 सितंबर से हरिद्वार में हर की पौड़ी से यात्रा की शुरुआत की जाएगी। हरिद्वार जिले की सभी 11 विधानसभाओं में ये यात्रा निकाली जाएगी और जिसमें कांग्रेस के पूर्व सीएम, प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस प्रभारी समेत कई बड़े नेता यात्रा में शामिल होंगे। शिवालिक नगर से होती हुई ये भाद्राबाद की तरफ जाएगी और भाद्राबाद से फिर रुड़की की तरफ करेगी। सभी कार्यकर्ताओं को ये हिदायत दी है कि इसमें बढ़ चढ़ कर जनता की भागीदारी इसमें सुनिश्चित कराए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों तक अपनी बात पहुंचाकर उनको सड़कों पर लाने का काम किया जाए और जिस तरह से कुमाऊं के अंदर यात्रा सफल रही है उससे भी ज़्यादा यहाँ पर हम उसको और व्यापक तरीके से
उसका स्वागत कर पाए। अपने कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने के लिए यह काम कर रही है, क्योंकि निरंतर भाजपा में से पलायन हो रहा है उनके कार्यकर्ताओं का। अब कार्यकर्ताओं को किस बल पे रोकें? इन्हीं हथकंडों के बल पे तो कार्यकर्ता को रोक पाएंगे कि देखो वो सी सर्वे भी ऐसा ही दिखा रहा है कि भाजपा इतने परसेंट में आ रही है, जबकि हकीकत से कोसों दूर है। हरिद्वार में विकासखंड भादराबाद के सभागार में ग्राम विकास अधिकारी एसोसिएशन उत्तराखंड की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष अनुज चौहान, प्रांतीय महामंत्री के सामंत और प्रांतीय संरक्षक जयेंद्र भारद्वाज के साथ पदाधिकारियों ने शिरकत की। प्रांतीय प्रवक्ता विनोद प्रसाद मिश्र ने जानकारी देते हुए बताया है कि ग्राम विकास अधिकारी एसोसिएशन उत्तराखंड की बैठक में एसोसिएशन के चुनाव को लेकर चर्चा कर विचार विमर्श किया गया है। प्रांतीय अध्यक्ष अनुज चौहान ने कहा कि एसोसिएशन एक परिवार की तरह है और इस परिवार को संगठित रखने के लिए आपसी समन्वय बहुत जरूरी है। तो हरिद्वार में चुनावों को लेकर चर्चा की गई है ग्राम विकास अधिकारी एसोसिएशन की ये मीटिंग, जिसमें चुनावों को लेकर चर्चा की। इस मीटिंग में प्रांतीय अध्यक्ष भी मौजूद रहे और उन्होंने तमाम जानकारियाँ दी और साथ ही मीटिंग का नेतृत्व भी किया। तो हरिद्वार की तस्वीरें हैं जहाँ पर ग्राम विकास अधिकारी एसोसिएशन की बैठक संपन्न हुई है। आपको बता दें कि ये बैठक चुनावों को लेकर की गई थी, चुनावों को लेकर चर्चा की गई इस बैठक में। और इस बैठक में मौजूद प्रांतीय अध्यक्ष अनुज चौहान ने बताया है कि एसोसिएशन एक परिवार की तरह है और इस परिवार को संगठित रखने के लिए आपसी समन्वय बहुत जरूरी है। लगभग दो बार हमारी ये महामारी आ चुकी है, इस वजह से संगठन की इस तरह की ऑफलाइन बैठक अभी तक नहीं हो पाई थी। अभी तक वर्चुअल माध्यम से हम लोग बैठक कर रहे थे, आज पहली ऑनलाइन बैठक हुई है, ऑफलाइन बैठक की गई। इसमें ग्राम विकास अधिकारी एसोसिएशन इस संवर्ग के विभिन्न मुद्दों पर आज जैसे कि नई भर्ती की प्रक्रिया, जो दिनों दिन स्टाफ कम हो रहा है, तो इसकी जितनी हमारी तादाद स्वीकृत है उस हिसाब से नई भर्ती और संगठन का अधिवेशन का चुनाव नहीं हो पाया इस कोरोना की वैश्विक महामारी की वजह से। इस पर आज पूरे उत्तराखंड राज्य से हमारे ग्राम विकास अधिकारी संवर्ग के साथ ही यहाँ पर आए गए हैं। इस पर गहन विचार विमर्श करते हुए बहुत शीघ्र अधिवेशन बुलाए जाने की बात की गई है। और बाकी वेतन विसंगति के मामले में कई सारे हमारे संवर्ग से रिलेटेड मुद्दों पर आज यहाँ पर गहन विचार विमर्श किया गया। वहीं हल्द्वानी के मानपुर पश्चिम इलाके में बिजली कटौती और पोल शिफ्ट करने के मामले में बिजली विभाग के अधिकारियों से नाराज होकर स्थानीय जनता के साथ कैबिनेट मंत्री वंशीधर भगत धरने पर बैठे थे। अब इस पर कैबिनेट मंत्री सफाई देते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि मौके पर जनता के साथ बैठने को धरने का नाम देना गलत है। उन्होंने कहा कि खड़े खड़े मेरे पैरों में दर्द हो गया था, इसलिए मैं जमीन पर बैठ गया। तो हल्द्वानी की ये तस्वीरें, अब बैकफुट पर आ गए हैं मंत्री बंसीधर भगत। तो कैबिनेट मंत्री ने जो धरने में जो शामिल हुए थे उसको लेकर उन्होंने अब सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि वो खड़े खड़े थक गए थे इसलिए वो वहाँ पर बैठ गए, और उनका वहाँ पर बैठना धरने में शामिल होना ऐसा नहीं है, उन्होंने इसको लेकर सफाई दी है। तो अब यू टर्न मारते हुए नजर आ रहे हैं कैबिनेट मंत्री बंसीधर भगत। आपको बता दें कि बिजली कटौती को लेकर स्थानीय जनता नाराज होकर बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ धरने पर बैठ गई थी, उसी धरने में बंसीधर भगत भी बैठे हुए थे। अब उसको लेकर बंसीधर भगत बैकफुट पर आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि वो वहां पर बैठे थे, इसको ये नाम देना कि वो धरने में शामिल थे ये गलत है। अब वो सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। अब वो बोल रहे हैं कि वो वहां पर इसलिए बैठे थे क्योंकि वो वहां पर खड़े खड़े थक गए थे, इसलिए उन्होंने बैठना मुनासिब समझा, उनके पैरों में दर्द था इसलिए वो उस भीड़ के बीच बैठे थे। मेरे पार्षद को 6 बजे से 10 बजे तक बिना बिजली के लोगों का रोष झेलना पड़ा, तो उसने मुझे 4 बार फोन किया और मैंने एक्शन को फोन किया। एक्शन ने कहा कि वहाँ मेरे SDO और JE गए हुए और वो कहें कि यहाँ नहीं आए हुए, तो मैंने एक्शन साहब को कहा कि तुम भी आओ और मैं भी आता हूँ, वास्तविकता का पता लग जाएगा। तो वहाँ आए, वहाँ कोई नहीं था, फिर बाद में एक्शन से पहले AE JE आए, फिर एक्शन साहब आए। अब टांगों में दर्द हो रहा है, रात के 11 बज गए तो हम सबील पर बैठ गए। अब बैठने को एकदम धरने का नाम दे देना ये तो गलत बात है। जब गांव के सब आदमी बैठ गए तो हम भी बैठ गए, धरना कोई नहीं था। हाँ, विद्युत विभाग के खिलाफ रोष इसलिए था कि 4 घंटे तक लोग अंधेरे में रहे, बार बार पार्षद के कहने के बाद भी वो नहीं गया कोई देखने, इसलिए मुझे जाना पड़ा। और मैं 10 बार धाऊँ, हमारा कार्यकर्ता हमारी जनता कहीं पर इस तरह प्रताड़ित होगी तो मैं निश्चित रूप मैं हूँ काहे के लिए, मैं इसीलिए हूँ कि लोगों के सुख दुख में काम आऊँ। तो मैं वहाँ गया और उसके तत्काल 5 मिनट बाद बिजली भी आ गई और जो काम होने थे वो कल हो भी गए।
रुड़की से बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा के जन्म दिवस के अवसर पर कैंप कार्यालय पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक बत्रा समेत बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं ने रक्तदान दिया। आपको बता दें कि विधायक प्रदीप बत्रा के कैंप कार्यालय पर उनके जन्मदिवस के अवसर पर बड़ी संख्या में उनके समर्थक कैंप कार्यालय पर पहुंचने शुरू हो गए थे और केक काटकर और आतिशबाजी कर उनके साथ पूरे धूमधाम तरीके से उनका जन्मदिन मनाया गया। तो रुड़की से तस्वीरें हैं जहां पर सैकड़ों लोगों ने रक्तदान किया है। आपको बता दें कि विधायक के जन्मदिन पर यह रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। लोग विधायक के कैंप कार्यालय पहुंचे और वहां पर आतिशबाजी कर धूमधाम से उनका जन्मदिवस मनाया। तो रुड़की की तस्वीरें हैं जहां पर विधायक प्रदीप बत्रा के कैंप कार्यालय पर उनके समर्थक पहुंच गए और उनके जन्मदिवस की बधाई देते हुए आतिशबाजी की और उसके बाद उन्होंने ब्लड डोनेट किया। तो ये ब्लड डोनेशन की तस्वीरें हैं रुड़की से, जहां पर विधायक प्रदीप बत्रा का जन्मदिवस मनाया गया और जन्मदिवस मनाने के साथ ही रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। देश के लिए कुछ कर सके ये हमारा सौभाग्य है और अगर हमारा खून का कतरा कतरा भी किसी के काम आ सकता है तो हम देने के लिए तैयार हैं। हमें जनता ने प्यार दिया, प्रेम दिया और जनप्रतिनिधि बनाया तो हमारा फर्ज बनता है कि हम लोग सेवा करें। आज डेंगू से, मलेरिया से लोग परेशान हैं, खून की ज़रूरत है लोगों को, तो वाइट ब्लड सेल प्लेटलेट्स जिसको भी चाहिए उसको ब्लड मिले। आज हमने कैंप का आयोजन यहाँ पर किया है तो लगभग 100-150 यूनिट हम लोग ब्लड डोनेट करेंगे और देश के प्रति समर्पित रहेंगे और हमेशा सेवा कार्य में आगे रहेंगे। चमोली में सरकार की तमाम लाखों करोड़ों की जन कल्याणकारी योजनाएं आज भी सही मानकों और सही पात्रों तक नहीं पहुंच पा रही। इसका एक और ताजा उदाहरण चमोली जिले के घाट विकास खंड के लाखी गांव से सामने आया है, जहां पर एक निराश्रित विधवा महिला एक टीन के छोटे से कमरे में धुएं और अंधेरे में जीवन यापन कर रही है और दो वक्त की रोटी के लिए दर दर भटकती है। गांवों में दया करके जब कोई कुछ देता है तो ही उसका चूल्हा जलता है। ऐसी बेसहारा विधवा महिला के लिए ना प्रधानमंत्री आवास योजना और ना ही उज्ज्वला योजना है। वहीं दूसरे बुजुर्ग की भी व्यथा कुछ इसी तरह की है। घनश्याम दत्त पांडे को फरवरी 2020 से किसान पेंशन ही नहीं मिली है, जबकि इनकी किसान पेंशन सितंबर 2019 से शुरू हुई और तीन किस्त किसी दूसरे व्यक्ति के खाते में चली गई। घनश्याम दत्त पांडे ने बताया कि उन्होंने तहसील घाट को इस संदर्भ में पत्र भी लिखा तो केवल दो किस्त उनके खाते में आई। 2020 से आने के बाद तीसरी किस्त आज तक नहीं आई। प्रधानमंत्री आवास में तो अभी इनको तो कुछ नहीं मिला है। ये बिल्कुल असहाय है, इनका आगे पीछे कोई नहीं, न बच्चे हैं, मतलब परिवार में सिर्फ आके नहीं असहाय है। और इनका जो ये कच्ची झोपड़ी दिख रही है, कच्ची मकान है, आजकल बरसातें चल रही है, बरसात में क्या हो रहा है, बरसात का पानी पूरा अंदर आ रहा है, रहने में खाने में दिक्कत हो रही है, आग जलाने में दिक्कत हो रही है, ना इनके पास स्टोव की व्यवस्था है, ना मिट्टी तेल की व्यवस्था है और ना ही विधवा महिला है और ना तो गैस की व्यवस्था है और आग जलाने में दिक्कत हो रही है, खाना बनाने में दिक्कत हो रही है और बहुत ही गरीब महिला है, असहाय है, इनका कोई नहीं है। हाँ, इस बारे में मैंने एप्लीकेशन भी दी थी तहसील में। अच्छा, तो उन्होंने क्या कहा आपको? बोला था कि वो जाएगा, वो हुआ नहीं अभी। हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र में एक लड़की को बार बार कॉल करना और अश्लील मैसेज भेजना युवक को भारी पड़ गया। लड़की ने इसकी शिकायत जब अपने घर वालों से की तो लड़की के परिजनों ने युवक को रास्ते में पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई की। इतना ही नहीं, पकड़ में आए युवक को लड़की ने भी चप्पलों से पीटा। वहीं मारपीट के दौरान मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई और किसी ने पूरी घटना का वीडियो बनाकर भी सोशल मीडिया पर डाल दिया। पिटाई के बाद युवक ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और आगे कभी ऐसी हरकत ना करने की बात कही है। तो हरिद्वार का यह मामला है जहां पर युवती को बार बार फोन करना और अश्लील मैसेज भेजना एक युवक को भारी पड़ गया, जहां लड़की के परिजनों और स्वयं लड़की ने युवक की जमकर धुनाई की। इसके साथ ही चप्पलों से उसकी पिटाई भी की गई। तस्वीरें आपके सामने हैं, हरिद्वार का ये पूरा मामला है जहां पर बताया जा रहा है कि जिसकी पिटाई हो रही है वो युवक युवती को अश्लील मैसेज भेजता था, उसके साथ ही उसको बार बार मैसेज कर परेशान कर रहा था, जिसके बाद लड़की ने इसकी सूचना अपने घर वालों को दी और उसके बाद घर वालों ने और लड़की ने उस युवक की जमकर पिटाई कर दी और इस पिटाई के दौरान लड़की ने चप्पलों से उस युवक पर चप्पलों की बारिश कर दी। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, हरिद्वार की है जहां पर युवती ने छेड़छाड़ और बार बार फोन करने, अश्लील मैसेज भेजने से परेशान होकर एक युवक की जमकर पिटाई की है। तो ये पिटाई का जो मामला है हरिद्वार का है, हरिद्वार की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं जहां पर अश्लील मैसेज भेजना और फोन करना एक युवक को भारी पड़ गया और उसकी लात घूसों और चप्पलों से जमकर पिटाई की गई है।
वहीं पौड़ी के कोटद्वार में आज एक बड़ा हादसा होने से टल गया, जिसमें उत्तराखंड परिवहन निगम के कोटद्वार डिपो की रोडवेज बस दुकान के अंदर घुस गई। गनीमत रही कि इस दौरान कोई रोडवेज की चपेट में नहीं आया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। परिवहन विभाग की अधिकतर रोडवेज सड़क पर ही खड़ी रहती हैं, जिस कारण ये हादसा हुआ। कोटद्वार डिपो की कार्यशाला की क्षमता इतनी नहीं है कि सारी रोडवेजों को खड़ा किया जा सके, जिस कारण रोडवेज रेलवे स्टेशन के बाहर ही खड़ी रही। स्टेशन रोड सबसे व्यस्त सड़क है और लोगों की आवाजाही ज्यादा रहती है, लेकिन सुबह होने के कारण भीड़ कम थी, जिस कारण बड़ा हादसा होने से टल गया। तो तस्वीरें कोटद्वार की हैं, जहां पर दुकान के अंदर एक बस जा घुसी, जो तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि रोडवेज की जो बसें हैं वो सड़क के किनारे ही खड़ी रहती हैं, जिस कारण कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। वो क्या ही, जितने तो आते उन्होंने देखा तो आए रोडवेज वाले, ओहो बस का शीशा टूट गया। उन्हें बस के शीशे की चिंता थी, ना कि मेरी जान माल की, मेरी दुकान की चिंता थी। उन्हें फिर चौकी वाले में बुलाए, वहाँ पे रोडवेज वाले बैठे थे, भाई आपको जितना नुकसान हुआ आप लिखित रूप में दीजिए, हम आपको भरपूर ले लें। मैंने कहा बस को मैं हिलने तब तक नहीं दूंगा जब तक कि मेरी जान को जो खतरा है वो बच गया, जो दुकान का नुकसान हुआ है वो मुझे चाहिए, और नहीं तो मैं तो रोडवेज के आगे लेट जाऊँगा, मैं बस की पूरी हड़ताल करा दूंगा। मैं डेली का कमाने खाने वाला आदमी हूँ। मैं उत्तराखंड की इष्ट देवी मां नंदा देवी की कैलाश के लिए 31 अगस्त को घाट के कुरुण मंदिर से कई पड़ावों में अपने भक्तों को दर्शन और आशीर्वाद देते हुए चलकर नंदा देवी की लोकजात मुंडोली से 12वें पड़ाव बाड़ गांव पहुंचे। बाड़ गांव से 13वें पड़ाव गैरोली पातल के लिए विदा कर दी गई है। मां नंदा देवी का ससुराल का क्षेत्र बाड़ गांव से ही शुरू हो जाता है। तो तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां बाड़ गांव से विदा हुई है मां नंदा देवी। रुद्रपुर में सेल्समैन से हुई 11 लाख रुपए की लूट की घटना के खुलासे में लगी एसओजी टीम ने पुख्ता जानकारी के आधार पर शनिवार देर रात को थाना क्षेत्र जगदीशपुर गांव में एक व्यक्ति के घर से दबिश दी। इस दौरान आरोपी के परिजनों और कुछ ग्रामीणों की तरफ से एसओजी टीम पर हमला करने की, साथ ही हाथापाई भी की गई थी और रिवॉल्वर छीनने की कोशिश भी की गई थी। वहीं एसओजी टीम में शामिल एक महिला कांस्टेबल और एसओजी को गंभीर चोटें भी आई। आरोपियों की तरफ से महिला कांस्टेबल के साथ छेड़खानी भी की गई। एसओजी टीम की तरफ से 10 लोगों के खिलाफ तहरीर थाने में सौंपी गई, जिस पर दिनेशपुर पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर गंभीर धाराओं में जेल भेज दिया है। तस्वीरें चमोली की है, जहां पर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मामला एसओजी टीम पर हमला करने को लेकर है। धर्मनगरी हरिद्वार में शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष आनंद स्वरूप महाराज ने सरकार से उत्तराखंड को देश की आध्यात्मिक राजधानी घोषित करने और तत्काल 4 धाम यात्रा शुरू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सनातन धर्म का देवालय है, इसलिए उत्तराखंड में गैर हिंदू धर्म के लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाए। सरकार को इसके लिए ऑर्डिनेंस लाना चाहिए, और अगर सरकार इसके लिए ऑर्डिनेंस नहीं लाती है तो वो आने वाले चुनाव का बहिष्कार करेंगे। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।